स्वागत है सभी दोस्तों का हमारे आज के इस वीडियो में दोस्तों ये सीरीज का चौथा वीडियो होने वाला है दोस्तों अब तक हम तीन वीडियो कर चुके हैं और ये चौथा वीडियो है अब हम पढ़ेंगे मिनरलॉइड्स इस वीडियो का हमारा टॉपिक है मिनरलॉइड्स मिनरलॉइड्स और मेटामिक्टरल्स दो, दो चीजों की हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि मिनरलॉइड्स क्या होता है देखो मिनरल हमारा मिनरल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो होमोजीनियस हो है ना केमिकल कंपाउंड है जिसका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है ठीक है सॉलिड होना चाहिए क्रिस्टलाइन होना चाहिए है ना और इनऑर्गेनिक होना चाहिए तो ये सारी हमारी मिनरल मिनरल की प्रॉपर्टीज़ हैं तो कुछ ऐसे मटीरियल होते हैं जो मिनरल की सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ तो फॉलो नहीं करते मतलब ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ फॉलो करते हैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी को छोड़ के कि वो क्रिस्टलाइन नहीं होते ठीक है मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो क्रिस्टलाइन नहीं होते हैं और बाकी सारी प्रॉपर्टीज मिनरल की फॉलो करते हैं उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं मिनरलॉइड्स ठीक है होमोजीनियस भी होते हैं डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होते हैं इनऑर्गेनिक होते हैं ठीक है बस क्या नहीं होते हमारा उन पर रेगुलर एटॉमिक अरेंजमेंट नहीं होता है यानी कि वो क्रिस्टलाइन नहीं होते तो उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं मिनरलॉइड्स ठीक है तो दोज मटेरियल्स दैट आर होमोजीनियस केमिकल कंपोनेंट्स बट डज नॉट हैव एन ऑर्डर अरेंजमेंट और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड मिनरलॉइड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन बट डज नॉट हैव एन ऑर्डर एटोमिक अरेंजमेंट और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ठीक है देर आर सम अर्थ मटीरियल्स डेट फिट ऑल अदर पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ अ मिनरल बट डो नॉट है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर यानी कि अर्थ में कुछ ऐसे हमारे मटीरियल होते हैं जो कि मिनरल की डेफिनेशन के सारे हिस्से को सेटिस्फाई करते हैं सिर्फ एक को नहीं करते कि क्या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बट उनका कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता यानी कि वो एमॉर्फस होते हैं ठीक है सच कंपाउंड आर टर्म एमॉर्फस यानी विदाउट फॉर्म भी कोई फॉर्म नहीं है ठीक है सम ऑफ़ दीज एमस कम्पाउंडस आर कॉल्ड मिनरलॉयड्स इन्हीं एमॉर्फस कम्पाउंड में से कुछ को हम मिनरलॉइड्स कह देते हैं ठीक है दीज यूजली फॉर्म एट लो टेम्परेचर एंड प्रेसर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ केमिकल वैदरिंग केमिकल वैदरिंग के दौरान ये हमारे लो टेम्परेचर और लो प्रेशर में बनते हैं हमारे मिनरलॉइड्स देखो एग्जाम्पल है इसका ओपल और जेल मिनरल ओपाल या फिर जो हमारा जेल मिनरल है वो हमारा एक मिनरलॉइड है ऐसी लिमोनाइट एम्बर एलोफेन एट्सेट्रा ये हमारे सारे के सारे मिनरलॉइड्स हैं अभी इस वीडियो में हम एक और डेफिनेशन करेंगे अभी मुझे लगता है आप सभी को ये मिनरलॉइड्स की डेफिनेशन समझ में आ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं